हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कल हम फिर से एक नया वीडियो में। ओके गाइस, तो अभी के वीडियो में हम बात करने वाले इंडोनेशिया सर्वर के न्यू इवेंट के बारे में। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है कि आज के दिन हमें मिल रहा है इनक्यूबेटर वाउचर बिल्कुल फ्री में, और वो भी अनलिमिटेड। मतलब कि गाइस जितना हम गेम खेलेंगे उतना आज के दिन हमें इनक्यूबेटर वाउचर मिलने वाला है। तो देखो गाइस, ये इनक्यूबेटर जो है ना, ये इनक्यूबेटर हमें गेम खेलने के बदले में मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग VR मोड या फिर CS मोड या फिर लोन वुल्फ मोड खेलते हैं तो गेम एंड होने के बाद हमें मिलते हैं इनक्यूबेटर वाउचर। वैसे गाइस डायरेक्ट हमें इनक्यूबेटर वाउचर तो नहीं मिलते हैं, गेम खेलने के बाद जो है ना, जब गेम एंड होता है तो जाके हमें मिलता है एक कैरेट। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक गेम खेलने के बाद हमें मिलता है एक कैरेट। और उसके बाद अगर हम इस कैरेट में देखें तो इस कैरेट में हमें देखने को मिलता है एक पीस इनक्यूबेटर वाउचर, और उसके अलावा हमें इसमें कुछ क्वाइंस देखने को मिलते हैं। तो गाइस अगर हम लोग इस कैरेट को ओपन करेंगे तो इन चारों में से हमें कोई एक ही रिवार्ड्स मिलेंगे। जैसे कि या तो एक पीस इनक्यूबेटर वाउचर मिल सकता है, या फिर 50 क्वाइंस मिल सकते हैं, या फिर 20 क्वाइंस, या फिर 10 क्वाइंस। ऐसा नहीं है कि चारों रिवार्ड्स हमें मिल जाएंगे, एक कैरेट में बस आप लोगों को इनमें से कोई एक ही रिवार्ड्स मिलने वाला है। तो गाइस अब ये कैरेट तो हमें VR मोड, CS मोड और लोन वुल्फ मोड खेलने के बदले में भी मिल रहा है। तो गाइस ऐसा कौन सा गेम खेलेंगे जो कि बहुत ही जल्द एंड हो जाएगा और उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा इनक्यूबेटर वाउचर का कैरेट कलेक्ट कर पाएंगे? तो देखो गाइज, अगर आप लोग CS मोड खेलते हो तो उसमें तो आप लोगों को 7 से 8 मिनट लग ही जाते हैं एक गेम को एंड होने में। बाकी अगर आप लोन वुल्फ खेलते हो तो उसमें मतलब कि लोन वुल्फ मोड बहुत ही जल्दी एंड हो जाता है। तो गाइज मेरे ख्याल से लोन वुल्फ खेलना ही बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत ही जल्द लोन वुल्फ एंड हो जाता है और एंड होने के बाद ही आप लोगों को एक पीस कैरेट भी मिल जाता है इनक्यूबेटर वाउचर का। बाकी अगर आप लोग VR मोड खेलते हो और VR रैंक मोड खेलते हो उसमें तो आप लोगों का बहुत सारा टाइम लग जाएगा, और उसके बाद अगर आप लोग नॉर्मल बैटल रॉयल खेलते हो तो उसमें भी जो है ना, गेम ऑन होने के बाद आप लोगों को मिलेगा इनक्यूबेटर वाउचर का कैरेट। बाकी गाइस अगर आप लोग ये चाहते हो कि नॉर्मल हम VR मोड खेलेंगे और उसमें स्टार्टिंग में ही जाके एलिमिनेट हो जाएंगे, तो देखो गाइस अगर आप लोग नॉर्मल VR मोड खेलते हो और उसमें जाके बहुत ही जल्द एलिमिनेट हो जाते हो तो गेम एंड होने के बाद आप लोगों को इनक्यूबेटर वाउचर का कैरेट नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग नॉर्मल VR मोड खेलना चाहते हो और उससे कैरेट कलेक्ट करना चाहते हो तो आप लोगों को नॉर्मल VR मोड खेलना तो है, लेकिन उसमें आप लोगों को मैक्सिमम 3 मिनट तक सर्वाइव करना होगा। मतलब कि अगर आप लोग 3 मिनट तक सर्वाइव कर लेते हो और उसके बाद जाके एलिमिनेट हो जाते हो तब जाकर आप लोगों को मिलेगा इनक्यूबेटर वाउचर का कैरेट। बाकी अगर आप लोग तुरंत ही एलिमिनेट हो जाओगे तो आप लोगों को इनक्यूबेटर वाउचर का कैरेट नहीं मिलेंगे। तो गाइस अब आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोगों को तीनों मोड में से कौन खेलना है, CS, VR या फिर लोन वुल्फ। मेरे ख्याल से लोन वुल्फ ही बेटर रहेगा, या फिर बैटल रॉयल मोड जिसमें कि 3 मिनट सर्वाइव करना होगा। बाकी गाइस अभी के वीडियो में बस इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।